अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफरो रेसिपी ब्लॉग में। तो बताओ हमें आज किस बारे में अपना ब्लॉग बन रहा है। तो आज किस बारे में ब्लॉग बन रहा है वो तो हम बाद में बताएंगे, मगर सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का और आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। और मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी मुझ पर इतनी ज्यादा हो गई कि मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे 8 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए, वो भी 4 दिन में। और 4 दिन में 2 लाख फॉलोअर बढ़े हमारे। माशाल्लाह सभी अल्लाह ताला का रहमो करम है, अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर। हाँ। कि हमारे इतने जल्दी जल्दी फॉलोवर बढ़ रहे हैं और हमारी YouTube की फैमिली है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है, बहुत प्यार दे रही है, हमारे वीडियो इतने इंटरेस्ट से देख रहे हैं। बराबर है ना। तो आज किधर जा रहे अपन? तो आज है हमारी शॉपिंग, जैसा हाँ जैसा कि रमजान की ईद की मतलब ईद की पहली शॉपिंग। हाँ, तो किधर जाने वाले? तो सबसे पहले मैं इन लोगों को लेके जा रही हूँ बांद्रा हिल रोड पे, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक कपड़ा देखी थी तो वो कपड़ा मुझे पसंद आया था। बराबर। तो वो शॉप में कपड़े बहुत अच्छे अच्छे है तो मुझे उधर देखना है। मैं ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मेरे खुद का है। तो वहाँ पर जाकर अभी मैं देखूंगी, मुझे वहाँ पे कपड़े अच्छे तो है बहुत मगर मेरे साइज में मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा अभी 15 दिन में 4 से 5 किलो वजन बढ़ गया है। सेम मेरा भी। और पता नहीं रमजान में मेरा वजन बढ़ता है, मेरा भी बढ़ता है, आसिफ का भी बढ़ता है और अशरफ का भी बढ़ता है। माशाल्लाह हम लोग रोजे रखने के बावजूद भी हमारा वजन बढ़ ही जाता है, थोड़े हैवी हो जाते हैं। हाँ। अभी हम लोग रमजान बाद आप लोगों को इतने स्लिम दिखने वाले, इतने पतले दिखने वाले है ना क्या पूछो ही मत। बराबर। तो जैसा कि ईद की पहली शॉपिंग हम लोग मम्मी के कपड़े से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मम्मी का कपड़ा एक बार हो जाता है तो हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद अब्बा का ले गए, फिर उसके बाद मेरा ले गए, फिर अशरफ का ले गए। मेरा अशरफ का तो एक ही जगह से हो जाता है, ठीक है ना। तो चले निकलते फिर ईद की पहली शॉपिंग का वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट अभी हम लोग आपको बांद्रा में। गाइस माशाल्लाह शॉपिंग तो मेरी हो गई, मैंने ईद का जोड़ा ले ली हूँ, मगर मैंने ईद में क्या ली हूँ वो नहीं बताऊंगी, मगर मैंने कौन सी शॉप से ली हूँ वो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और माशाल्लाह इधर पे एक से एक वैरायटी है, और एक से एक मतलब आपको देखेंगे तो क्या ले ले ऐसा हो जाएगा। मैंने तो बहुत एकदम सेट है पूरा, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा सेट में मिलेगा इस तरह का, देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि आपको पूरा रेडीमेड में सेट भी मिलेगा आपको, या मटेरियल चाहिए या अनस्टिच भी आपको मिलेगा। मगर मुझे तो बहुत बहुत पसंद आए, देखे इसी टाइप में मैंने कुछ ली हूँ, थोड़ा सिंपल और डिसेंट टाइप में मैंने ली हूँ पहनने के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक से एक कलर है। तो इनका जो शॉप का एड्रेस है मैं आपको बता दूंगी, तो आप इनकी शॉप पे एक बार विजिट करना, और माशाल्लाह आप इनकी शॉप पे विजिट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इधर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। मुझे तो बहुत पसंद आए, देख सकते हैं आप लोग। इनकी पैंट पे भी साथ में काम है, इसी तरह का मुझे कुछ चाहिए था, तो अभी तो मैं यहाँ से 2 पीस लेके जा रही हूँ, इंशाल्लाह फिर बाद में आके और लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पैंट में वर्क वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते है ना आसिफ। देखिए सारे में ऐसे ही वर्क किया हुआ है, एक से एक मस्त है ना, सिंपल डिसेंट है वर्क है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब हैवी लगे, सब पहने के तो लगेगा हाँ भाई कि अच्छा है। रेंज भी अपने बजट के हिसाब में, ये इतनी क्वालिटी बहुत बोले तो बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप लोग। मस्त मस्त है ना, मस्त है। तो चलिए आप लोग भी इनकी शॉप पे आइए। क्या नाम है इनकी शॉप का? सबीना नाज, नाज और सबीना, दो शॉप है इनकी। लास्ट टाइम मैंने जो नाइटी ली थी ये भी उनकी शॉप है। हाँ। है ना। तो इधर का इनका जो कांटेक्ट नंबर वगैरह है मैं आपको डाल दूंगी, तो आप लोग एक बार विजिट करके इधर पे आना और ईद के लिए यहाँ से कपड़े लेके जाना, है ना। तो चलिए गाइस माशाल्लाह मेरी तो कपड़ों की शॉपिंग हो गई, आप लोगों ने देख लिए, और चप्पल की भी हो गई है, वो भी आप लोगों ने देख लिए, है ना आसिफ। हाँ। अभी बाकी है थोड़ी बहुत बच्चे लोगों की शॉपिंग, तो बस अभी जा रही हूँ बच्चे लोग को कुर्ता पैजामा देखने के लिए। अपुन किधर आए? बांद्रा से। बांद्रा से हम लोग आए बॉम्बे। हाँ, तो बांद्रा में हम लोग ने इफ्तारी भी खोले। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग खड़े खड़े खोले, क्योंकि टाइम हो गया था, होटल में किधर जाने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ। है ना, तो इसलिए हम लोग ने भारी इफ्तारी कर लिए। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे अभी हम लोग आए बॉम्बे। हाँ। अम्मी ने बांद्रा से ईद में जो कपड़ा पहन लिया था, अम्मी ने बांद्रा से लिए लेने वाले। हाँ। वो आपको ईद के दिन ही देखने ईद के दिन मिलेगा बराबर। हाँ।
और सलाम भाई। तो यहाँ पे कैसा मम्मी के कुछ पैंट मिल गए थे। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग तो गए, इसीलिए मास्क लगा के चल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत लोग मिल रहे है ना, और बहुत खुशी की बात है। और हाँ, अपने 8 लाख हो गए बोल दिए ना, घर हाँ, पे बोल दिए। हाँ, तो अभी यहाँ से बॉम्बे हम लोग इसलिए आए क्योंकि मम्मी ने जो बांद्रा से ड्रेस लिए थे हाँ, वो ड्रेस के लिए चप्पल लेने के, मैचिंग चप्पल, मैचिंग चप्पल लेने के। तो यहाँ पे वहाँ से मम्मी ने चप्पल ले लिए, जाते हैं बहुत जगह हम लोग को शूट करने नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग फटफट सामान लेके निकल रहे। और ड्रेस, ड्रेस तो इतना डिसेंट ड्रेस लियो ना, और इतना प्यारा कलर लियो, बहुत दो लियो और बहुत प्यारे। मंगते हैं तो आपको घर पे जाके दिखा देंगे। हाँ, नहीं दिखा देंगे, दिखाई नहीं ना अभी, अभी नहीं, नहीं दिखाएंगे। कपड़ा भी वो माप से बनेगा ना मेरा। हाँ, माप से बनने वाला है। सॉरी सॉरी, लेके नहीं आए, लेके नहीं आए। लेकिन बाकी जो हम लोग बॉम्बे से शॉपिंग करेंगे ना, वो दिखा आपको घर पे जाके आराम दिखाई देंगे, है ना। हाँ, वो दिखा देंगे। अभी किधर जा रहे हैं अपन? अभी मनीष मार्केट जा रहे हैं, नागपुरा मोहल्ला। ऐसा ही नहीं, मनीष मार्केट, ये मनीष मार्केट मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना जहाँ पे जेंट्स लोग के कपड़े मिलते हैं, कुर्ते पैजामे के कपड़े। तो वहाँ पे अभी मैं और अशरफ के लिए देखने जा रहे हैं। डैडी का हो गया है, और डैडी का हो गया कपड़ा लेके। ठीक है, तो चलिए अभी जाते हैं मुसाफिरा खाना, फिर उधर से मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्लान में अभी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे पहला मुसाफिरा खाना नहीं जा रहे, पहला जा रहे हम लोग मैनो मैन, जो कि बम्बई में काफ़ी फेमस है। आप लोग प्रॉफिट मार्केट मालूम रहेगा तो प्रॉफिट मार्केट के सामने मैनो मैन करके एक बहुत बड़ा शोरूम है। तो उधर से अभी अब्बा के लिए लेने जा रहे दो शर्ट, अब्बा के कपड़े उधर से लेते हैं, मेरे भी, मैं भी उधर से लेता हूँ कपड़े, क्योंकि मेरे को भी सिंपल और डिसेंट कपड़े पसंद है। तो उधर सब ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, पसंद आ जाएगी तो ले लूँ। हाँ, उधर से मेरे को पसंद आ गए 2-3 शर्ट या जीन्स वगैरह, तो मैं भी ले लूँगा उधर से। तो वहाँ से भी अब्बा के लिए 2 शर्ट देखते हैं कि अब्बा कौन सा वाला शर्ट लेते हैं। नहीं नहीं, चालू है, चालू है, चालू है ना, दिख रहा है जैसे ना मैनो मैन। हाँ, लाइटिंग वगैरह की है ना। तो चले गाइस, हम लोग आए हैं मैनो मैन में, और यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आसिफ के अब्बा के कपड़े और आसिफ के कपड़े यहाँ से ही लेते हैं। तो ये कहाँ पर है आसिफ? ये क्रॉफिट मार्केट के सामने, क्रॉफिट मार्केट के सामने है। इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं आपको डाल लूंगी, तो आप लोग इधर पे आके विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग मैनो मैन से निकल के अभी हम लोग आ गए मुसाफिरा खाना, और हम लोग ने इफ्तारी बराबर नहीं किए थे, मतलब तो थोड़ी भूख लग गई हम लोग को। तो हम लोग अभी खा रहे हैं सीख पाव, देखिए मम्मी ने 2 सीख पाव ढस लिए कायदे वाले में। कुछ 1250 रुपए का इसका बोला था, सलवार का 3 मीटर का 1200 कुछ मीटर लगा है। हाँ, अरे रूबी का है, अरे आपको हल्का कपड़ा चलेगा। और कुर्ते का कितना है? कुर्ते का 2.5 मीटर देना पड़ेगा। हाँ, तो 1 मीटर कितने का है? क्या बताए थे आप? देखो याद नहीं, भूल गया। मेरे को कितना लगेगा उतना कुर्ता और इसकी एकदम घेर वाली सलवार? नहीं नहीं बलून नहीं, मतलब ऐसा घेर। हाँ नॉर्मल। हाँ, कुर्ता तो कितना होगा, हिसाब से लगाओ ना। मैंने नहीं किया था वो, वो धोती बना दिया था, भाई मेरा तो सब हो गया। अभी किसका किसका? मेरा भी हो गया, मेरा सिर्फ चप्पल बाकी है। चप्पल बाकी। हाँ, और अभी इसके डैडी की
कपड़े और चप्पल मैं क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था अभी तुम्हारे सब कपड़े हो गए अभी मेरे भी सब कपड़े हो गए मेरे को बस चप्पल लेने का ईद के कुर्ते पजामे मेरा हो गया ठीक है मैंने दो कुर्ता पजामे लिया अशरफ ने दो कुर्ता पजामे लिया आपको घर पे जाके आराम से सब देखने मिलेगा अब्बा का भी दो कुर्ता पजामा हो गया ठीक है अम्मी का भी सब कपड़े हो चुके हैं पर अभी तुम्हारी चप्पल भी हो गई ना अम्मी के चप्पल भी हो गए तो अभी हम लोग को सुकून से शॉपिंग करने हम लोग की मिल रही है तो अम्मी का नहीं होता है फिर हम लोग अपना खरीदते थे फिर अम्मी का एंड टाइम पे मिलता नहीं है सामान कहते अच्छे अच्छे पीस सब खत्म हो जाते हैं ना लास्ट में के लिए तो अभी अपन किधर जा रहे हैं चप्पल देख लेते हैं चल जाएंगे घर पे बाकी का जो बचा सही करेंगे ना हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं चप्पल लेने तो आपको दिखाते हैं हमारी बॉम्बे की चप्पल की मार्केट वो लाइन जो है ना वो पूरी उधर चप्पल शूज वगैरह ही मिलते हैं तो अभी जाके अभी हम लोग आपको दिखाते हैं उधर का तो गाइस तो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं चप्पल और शूज़ की मार्केट में यहाँ पे काफ़ी रश रहती है हमेशा रश रहती है इधर तो यहाँ पे अभी हम लोग अभी मेरी चप्पल देखने में मम्मी को लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी हर चीज़ मम्मी देखते हैं और मम्मी को ही क्या करते हैं तुम पसंद करते तो यहाँ पे देखते अभी नई नई वेराइटी नई नई क्या आया है सैंडल टाइप में आगे चलो ना आगे आगे देखते ना आगे आ रही है और घड़ी अभी तो यहाँ पे देखिए इस तरह के इधर पूरे चप्पल सैंडल शूज वगैरह सब मिलते रावस एकदम मैं देख रहा हूँ कि कौन से मेरे कुर्ते पैजामे पे जाएगा कि मैंने दो कुर्ता पैजामा लिया मैं सोच रहा हूँ ब्लैक में लूँ कुछ चप्पल सैंडल टाइप में हमें ब्लैक में लूँ ना ब्लैक ही अच्छा लगेगा है ना ब्लैक देखते हैं अभी ब्लैक 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 में कोई नया पैटर्न आया है क्या कुछ नया कुछ अच्छा चलते रहो इसके पास है क्या कोई नया ब्लैक में भाई कोई न्यू पैटर्न आया है क्या ब्लैक में सैंडल टाइप में ऐसा नहीं इधर आगे अपने भाई साहब पहन लिए हाँ पटानी पे पहनने के लिए चाहिए था दिखाओ ये निकालो ये वाला ये ब्लैक ब्लैक वाला मेरे साइज का मिलेगा 10 नंबर सिर्फ ब्लैक वाली भाई वो वाली ब्लैक देना मैट ब्लैक देना ना मैट वाली हाँ 10 नंबर मिलेगा इसमें निकालना तो चलेगा यहाँ पे मैंने तो मेरी सैंडल ले लिया कुर्ते पजामे में ईद के दिन पहनने के लिए ले लिया मैंने सैंडल लिया ब्लैक कलर की है तुम्हारे पास थी ना वैसे में वैसे टाइप में ये वाली लिया हाँ इसमें। नहीं मेरा मैं नहीं बोल रहा है 10 नंबर लिया बड़ा नंबर खोल के क्यों दिखाने का उसको अपन ले लिया उधर से ये चंगे अंकल को लिए चप्पल 8 नंबर अशरफ ने लिया तुम लिए वाइट वाला अशरफ लिया तूने ए अशरफ लिया क्या क्यों तो लेना अब भाई वाली लिए वाइट में हाँ ये रावत है 1 नंबर हाँ ये लेना अच्छा वो डायरेक्ट पहनने वाला वो ये रहा कितना नंबर है अब्बा ने लिए पहनने के लिए मस्त एकदम वाइटम वाइट
तो गाइस अभी हम लोग बॉम्बे से निकल चुके हैं, बॉम्बे से निकल के हम लोग आ गए हैं किधर में, कुर्ला सारा होटल, हम लोग सहरी करने के लिए, मेरा मन है अभी हम लोग सहरी करेंगे और जाएंगे घर पे और आराम से सो जाएंगे, आराम से लेट उठूंगी, बराबर। तो ठीक है चलते देखते हम लोग सहरी में क्या करते हैं, अभी सहरी क्या खाते हैं हम लोग। तो चलेगा अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सारा होटल, अब मम्मी ने क्या ऑर्डर दिया मम्मी? मैंने बोलू चाप, चाप मसाला और भेजा और कीमा और रोटी, और रोटी बोले और मैंने दाल फ्राई बोली और मैंने बोली जीरा राइस, और मम्मी का दाल तड़का और जीरा राइस खाने का दिन किया। मुझे ये सब खा के बहुत कंटर आया था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं दाल चावल, उसके बाद में एक तरह का मीठी चाय पी मैं, तो उसके साथ क्या खाएंगे, मीठी चाय के साथ पराठा मस्का लगा के मस्त एकदम है ना। यहाँ पे देख अभी सब आ जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो क्या यहाँ पे अभी हम लोग आ गया तो वैसे ही खाने का स्टार्ट कर दिया, हम लोग को बहुत जोरों से लगी थी भूख। तो यहाँ पे देखे ये चाप मसाला हाफ, ये कीमा, जीरा राइस, दाल तड़का और ये भेजा जो अशरफ ने ले लिया है ना। अशरफ कैसा लगा? एक नंबर, सारा का खाना एक नंबर ही रहता है ना, मस्त एक नंबर। चलिए अभी सब लोग खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। तो ये शॉपिंग का सब सामान ऐसे ही रखा है, अभी तो अभी शॉपिंग का सब ऐसे ही रखा है।